अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जब कुंडली मिलान का प्रश्न आता है, विवाह का प्रश्न आता है, तब उसमें मंगली दोष एक बड़ी महत्वपूर्ण, एक महती भूमिका निभाता है। आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं, इसलिए सर्वाधिक महत्व मंगली के मिलान को दिया गया है। आप लोगों के ही कमेंट्स के माध्यम से, आप लोगों से मेल मुलाकात करने के माध्यम से और टेलीफोन के माध्यम से या तमाम जितने भी माध्यम हैं उन सभी माध्यमों से मुझे एक प्रश्न, बड़ा ही रोचक प्रश्न सुनने को मिला और फिर मैंने उसी से प्रेरित होकर के इस एपिसोड को बनाने का जो निर्णय है वो लिया। प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि आचार्य जी, हम लोग प्यार करते हैं, लव मैरिज करेंगे नहीं करेंगे अभी पता नहीं है, पर मेरा जो पार्टनर है, जिससे मैं प्यार करता हूं या मैं प्यार करती हूं, वो तो है मंगली और मैं नॉन मंगलिक हूं, तो विवाह के प्रश्न को थोड़ी देर के लिए यदि हम साइड में रख भी दें तो क्या केवल अंतरंग दोस्ती करने से, लिव इन रिलेशनशिप से या फिर प्रेम मात्र करने से क्या मंगली दोष प्रभावी होगा? क्या उस नॉन मंगली व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की विपदाएं आएगी, किसी प्रकार की अड़चन आएगी? तो इस प्रश्न को ही आज हम आपके समक्ष उत्तर के रूप में लेकर के आए हैं। थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता है और बड़ा ही रोचक विषय है। मुझे नहीं लगता कि अभी किसी और माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देने का जो प्रयास है वो किया गया है। तो बहुत ही सीधी सी और बहुत ही सिंपल सी बात है, केवल समझने की भूल थोड़ी सी हमें हो जाती है। हम मंगली का मिलान या कुंडली का मिलान करते क्यों हैं? क्योंकि दो शख्स अब आगे की जिंदगी एक साथ में बिताएंगे, उनका सुख भी साझा होगा, उनका दुख भी साझा होगा। एक की कुंडली में यदि दुख है तो वो दुख दूसरे को भी झेलना होगा, सुख है तो उस सुख का आनंद भी दूसरा जो है वो जरूर लेगा। तो ऐसी ही ठीक परिस्थितियां तब भी उत्पन्न हो जाती है जब किसी से आप भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गए हैं, शारीरिक रूप से आपके अंतरंग संबंध है, मानसिक रूप से आपकी जो विचारधारा है वो समान है, आप आर्थिक निर्णय भी एक साथ में ले रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि आपकी हर एक चीज साझा हो चुकी है तो फिर मंगली दोष का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? यह प्रश्न स्वयं आपको अपने आप से पूछना चाहिए। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की आज चर्चा करने जा रहा हूं, उससे पहले उसका जो सार है वो मैं आपको बतला दूं कि जब भी प्रेमी जोड़े के रूप में, अंतरंग मित्रता के रूप में एक मंगली और एक नॉन मंगली साथ में रहता है और बशर्ते जो मंगली दोष है वो पूरी प्रबलता लिए हुए है यदि, तो उस नॉन मंगली व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो उसका स्वभाव है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब आप स्वयं जज करें, एक एक बिंदु पर मैं आपको बतलाता चला जाता हूं। जब भी एक नॉन मंगली एक मंगली के साथ में रहता है तो उस नॉन मंगली व्यक्ति के जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं जिंदगी के, जीवन के, वो उस मंगली व्यक्ति के प्रभाव से लेने प्रारंभ कर देता है, उसकी विचारधारा में एक प्रकार से वो रंगना प्रारंभ हो जाता है। जो एक नॉन मंगली व्यक्ति है उस पर प्रभाव यह होता है कि उसके अपने स्वयं के परिवार से जो रिश्ते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आप हैं वैसे नहीं रहेंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, या जिसको हम कहें कि एक प्रकार से उलट हो जाएंगे। जो आपकी पसंद है वो हो सकता है आपकी नापसंद बन जाए और जो आपकी नापसंद है वो आपकी पसंद बन जाए।
नैतिक मापदंड हैं जो वो भी पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाते हैं। यदि आप डब्बू हैं तो ऐसा होगा कि आप साहसी बन जाएंगे। यदि आप अत्यधिक साहसी हैं तो धीरे धीरे प्रभाव ये होगा कि हो सकता है कि आपके जो साहस है उसमें कमी हो। डब्बू हो या नहीं ये एक अलग विषय है। किसी नॉन मंगली व्यक्ति को यदि घूमना फिरना, पर्यटन, नए लोगों से बातचीत करना बहुत अधिक पसंद होता है तो इस प्रकार की मित्रता के बाद में वो पर्यटन में रस लेना ही बंद कर देता है। या इसके ठीक उलट भी होता है। यदि वो पहले से उसका स्वभाव है कि वो पर्यटन पसंद नहीं है तो वो जाकर के नए नए लोगों से मिलना, पर्यटन करना, घूमना फिरना ये उसकी आदत में शुमार हो जाता है। चेहरे की रौनक की बात करते हैं, तेज की बात करते हैं, ऑरा की बात करते हैं। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिवर्तन आ जाएंगे। यदि आपको ऐसा लगे कि इस प्रकार की किसी मित्रता के साथ में जो चेहरे की रौनक है वो पहले अधिक थी अब कम हो गई है, या पहले कम थी अब अधिक हो गई है, तो ये मंगली के साथ में रहने का ही आपके स्पष्ट रूप से प्रभाव है। ऐसा जो व्यक्ति है जो मंगली के प्रभाव में रहता है, स्वयं नॉन मंगलिक है, यदि वो पहले लोगों की बहुत ज्यादा परवाह करता था तो वो अब लोगों की परवाह करना बंद कर देता है। या पहले वो लोगों की परवाह नहीं करता था तो वो हो सकता है कि लोगों की अब बहुत अधिक परवाह करना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार का आमूलचूल परिवर्तन देखा गया है। यदि उसकी महत्वाकांक्षा बहुत अधिक थी पहले, बड़े बड़े सपने थे शिखर पर पहुंचने के, तो वो हो सकता है कि अपने सपनों को तिलांजलि दे दे। और इसके ठीक उलट भी हो सकता है कि उसके सपने यदि कुछ भी नहीं थे, जिंदगी केवल यूं ही वो जीना चाहता था, तो किसी बड़े सपने को, किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के चलना प्रारंभ कर देता है। सहनशीलता के स्तर पर भी मंगल का प्रभाव होता है। यदि सहनशीलता बहुत अधिक है तो सहनशीलता कम हो सकती है, और सहनशीलता बहुत कम है तो वो सहनशीलता अधिक बढ़ भी सकती है। ऐसा विचित्र होता है ये मंगल का प्रभाव। यदि मिलनसारिता की बात करें या मित्रों की संख्या की बात करें, हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके सैकड़ों मित्र हों, बीसियों मित्र हों, पचासियों मित्र हों, और फिर वो एक एक करके हर एक मित्र से कन्नी काटना प्रारंभ कर देता है मंगल के प्रभाव के कारण, मंगली व्यक्ति के साथ में रहने के कारण। या हो सकता है कि पहले बहुत ही अंतर्मुखी रहा हो और वो अब जाकर के और मिलनसारिता को अपने जीवन में उसने अंगीकार कर लिया है। जीवन के लक्ष्य की मैंने आपसे बात की, वाक शक्ति पर भी इसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। कोई व्यक्ति जो बहुत अधिक बातचीत करना चाहता है, जिसको कि हम वाचाल कहते हैं, हो सकता है कि वो मौन रहना प्रारंभ कर दे, या मौन रहने वाला व्यक्ति अधिक बोलना प्रारंभ कर दे। किसी नशे को यदि वो रेगुलर रूप से सेवन करता था तो हो सकता है कि उस नशे को वो तिलांजलि दे दे, छोड़ दे। या बिल्कुल साधारण रहने वाला जो व्यक्ति है वो मंगली के साथ में रह करके किसी नए प्रकार के नशे का शिकार भी हो सकता है। किसी नई हॉबी का उत्पन्न होना या पहले की किसी हॉबी को आप छोड़ सकते हैं। उदारता पर, दानशीलता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यदि आपका व्यक्तित्व उदारता का था तो हो सकता है कि आप कृपण हो जाएं, कंजूस हो जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम खर्च करने वाला व्यक्ति इस प्रकार के संगत के बाद में उदारशीलता को ग्रहण कर ले। बहुत बढ़ चढ़ कर एक और बात देखी गई है कि आस्तिक व्यक्ति नास्तिक हो जाता है और नास्तिक व्यक्ति जो है वो आस्तिक हो जाता है। अनुशासनहीन व्यक्ति अनुशासित हो जाता है, अनुशासित व्यक्ति अनुशासनहीन हो जाता है। शांत रहने वाला व्यक्ति कलहकारी, झगड़ा करने वाला बन जाता है, और झगड़ा करने वाला जो व्यक्ति है वो शांत स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। इतने मल्टी डाइमेंशनल और स्वभाव के हर एक क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाले ये मंगली के साथ में रहने के प्रभाव हैं। आप स्वयं इसका निर्णय कर सकते हैं, पर इसको निर्णय करने से पहले एक बात आप जरूर देखिएगा कि जो मंगली दोष है जो आपके साथी के जन्म पत्रिका में है,
क्या वो मंगल 1 डिग्री 0 डिग्री या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तब वो प्रभावहीन हो जाएगा, वो इस प्रकार की कोई भी चीजें नहीं करेगा जिसकी चर्चा की है। यदि वो अस्त अवस्था में है, अर्थात सूर्य के साथ में युति करके विराजमान है, तब भी मंगल प्रभावहीन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि मंगल का जो प्रभाव है, चाहे जातक मंगली है, जब उसको मंगल की दशा आएगी तब ही वो परम रूप से, चरम रूप से अपना रिजल्ट प्रदान करती है। तो साथियों, मैं समझता हूं कि आज आपको इस बहु प्रतीक्षित प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि क्या केवल कुंडली मिलान या विवाह के उद्देश्य से ही मंगली का निर्णय महत्वपूर्ण होता है, या फिर केवल अंतरंग मित्रता, लिव इन रिलेशनशिप, शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक, वैचारिक रूप से यदि हम किसी के साथ में रहते हैं तब भी वो मंगली नॉन मंगली पर कितना गहरा असर उत्पन्न करता है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।